तो फ्रेंड्स आई गोना टॉक अबाउट थ्री प्रोडक्ट्स। तो पहला प्रोडक्ट आपका आने वाला है पिरामिड ग्रुप का जो 71 सेक्टर में। सेकंड इज जो आपका बहुत ही मैसिव डेवलपर है एंड 77 सेक्टर में लेकर आ रहा है प्रोडक्ट। मैसिव डेवलपर इसलिए बोल रहा हूँ, इन्होंने गुड़गांव बनाया है और इन्हीं के नाम से गुड़गांव को जाना जाता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 77 सेक्टर में इनका लैंड पार्सल 113 एकड़ का है, प्लस इनका 76 में इसके ऑपोजिट भी इनका लैंड पार्सल है जो 100 एकड़ प्लस है। न्यू गुड़गांव में भी इनका भरपूर लैंड बैंक है। एंड द थर्ड डेवलपर इज एडोर, फरीदाबाद के डेवलपर हैं, मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं। रीजनेबल प्राइस में इन्होंने फरीदाबाद में 4 BHK लेकर आए हैं, मतलब 45-50 लाख रुपए में दे हैव लॉन्च 4 BHK इन फरीदाबाद। तो इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक है, मतलब कि अभी ये गुड़गांव में आए हैं, इनके पास लैंड पार्सल है 10 एकड़ प्लस, 10.5 एकड़ के आसपास दे आर ब्रिंगिंग दिस प्रोजेक्ट आपकी 60 मीटर रोड पे। मतलब अगर आप देखेंगे तो जो आपकी जो रोड है जो आपकी NH8 कनेक्ट करती है ग्रैंड हयात के साथ, आपको वहाँ पे भी लेकर चलता हूँ। तो ये तीन फ्रेश लॉन्चेस हैं। प्राइजेज आपके जो शुरू हो जाते हैं 3 करोड़ से 5 करोड़ तक के स्टार्ट प्राइस हो जाते हैं। साइजेज इसमें आपके अच्छे साइजेज रहेंगे, आपके 1700-1800 स्क्वायर फीट से लेकर आपके 4500 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट। चलते हैं लोकेशन पे, SPR पे, एंड देन वी गोना टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलते हैं लोकेशन की तरफ और देख कर आते हैं ये प्रोजेक्ट्स। वाटिका चौक पे है और दिस इज द सेकेंड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन। जैसे गोल्फ कोर्स रोड बना था वैसे ही ये रोड बनकर रेडी हो चुका है। 1 महीने में आपका ऑपरेशनल हो जाएगी ये सड़क। तो ट्रैफिक फ्री यू गोना ट्रैवल फ्रॉम हियर टू गोल्फ कोर्स रोड, प्लस यहाँ से आपको अगर SPR भी कनेक्ट करना है तो ट्रैफिक फ्री हो जाएगा। अभी हम SPR पे हैं तो अगर आप देख सकते हैं तो पीछे जो मेरे साथ सामने जो पीछे टाउनशिप है MR वालों की है, वाटिका वालों की है, जिसमें रेजिडेंशियल प्लस आपके कमर्शियल दोनों हैं। फिर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जेनपैक का आपका ऑफिस ऑपरेशनल है, साथ में ऑफिस स्पेसेस हैं यहाँ पर, बेस्टेक का भी ऑफिस स्पेस है। पीछे अगर हम देखेंगे टाटा वालों का प्रोडक्ट है, टाटा प्रिवांती, जिसके बारे में अगर बात करें तो अच्छा प्रोजेक्ट है। सेक्टर रोड आ जाती है बीच में, अगर हम बात करें तो एक टुकड़े में नहीं बना, एक टुकड़े में एज एन आपके सेक्टर रोड आपकी जाती है बीच में से, जो आपकी मतलब कि आपको यू अगर आपकी टाउनशिप एक टुकड़े में रहती है तो आपको सेफ्टी सिक्योरिटी और क्लब हाउस का एक्सेस एक ही साथ मिल जाता है। इस प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है, फिर भी इसके प्रोजेक्ट में आपका एप्रिसिएशन हुई है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी टाटा वालों की अच्छी रहती है हमेशा। अगर इनके कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे तो मेंटेन्ड और कंस्ट्रक्शन अच्छी ही रहती है। अब हम इस SPR से आगे चलेंगे जहाँ पे आपके M3M के 3 कमर्शियल आएंगे, वो देखते हैं और आगे बात करते हैं। तो ये यहाँ पे लेफ्ट, पहला जो लेफ्ट आता है वो ट्यूलिप की तरफ आता है। यहाँ पे ट्यूलिप की टाउनशिप है, ट्यूलिप चौक है, यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप वॉलेट लेफ्ट पे आता है, लेफ्ट साइड पे जितने भी प्रोजेक्ट है। तो अभी हम महाराणा प्रताप चौक पे है खाटोला। तो अगर हम देखेंगे तो सामने अपना वाइट लैंड का SEO इन्होंने लॉन्च करे थे, ब्रॉडवे के साथ है, कमर्शियल बेल्ट ही है ये सारी। पीछे अगर मेरे साथ पीछे प्रोडक्ट देखेंगे तो ये प्रोडक्ट का नाम है आपका यूनिटेक वालों का है, हाई मतलब मिड राइज था। यूनिटेक के बारे में इट्स अ सैड स्टोरी, सारे लोग जानते हैं। तो ऐसा मैं चाहूँगा नहीं कि ऐसा कोई प्रोडक्ट आप लोग जहाँ पर आप लोग फंसे। तो अभी हम पिरामिड वालों की साइड पे जा रहे हैं। तो गाइज ये बर्ड आई व्यू है, अभी हम चौक पे हैं महाराणा प्रताप चौक। यहाँ से आप देख सकते हैं ब्रॉडवे है, ब्रॉडवे के साथ आपका वाइट लैंड का SEO मार्केट है जो आई थी, इसी के बैक साइड पे ही आपका पिरामिड का 60 मीटर रोड पे लगभग 5 एकड़ की साइट है। तो लेट्स गो एंड चेक। तो अभी हम पिरामिड की साइट पे हैं, 5 एकड़ का है, एक ही टुकड़ा है, 9 सेक्टर रोड, 5 एकड़ में ये 3 टावर्स दे आर प्लानिंग टू लॉन्च। हाइट मैंने जैसे बताया 40 प्लस रहने वाली है, ग्रीन एरिया 80% दे आर ब्रिंगिंग इन दिस प्रोजेक्ट, और लग्जरी में लेकर आ रहे हैं। प्राइजेज आपके अच्छे साइजेस भी रहने वाले हैं, जो प्राइजेज है आपका 2.5 CR प्लस रहेगा, 2.5 करोड़ प्लस रहेगा, जिसमें आपका अभी EDC IDC आपका PLC वगैरह काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। लेकिन प्री लॉन्च में हमारे को ये फ़ायदा मिल जाता है कि इनॉग्रल डिस्काउंट्स मिल जाते हैं आपको कंपनी से, प्लस हमारी तरफ से भी यू आर गेटिंग सम गिफ्ट्स ऑल्सो, लाइक जो भी आप कॉल अस एंड आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता करना है तो वी गोना टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट। रेरा से पहले मैं काफ़ी चीज़ें डिटेल्स में बता नहीं सकता, मोस्टली मैंने आपको बता दी है, लेकिन ये है कि
आई ट्रस्ट दिस ब्रांड बिकॉज इन्होंने अफोर्डेबल में ठीक काम करा है, लग्जरी में जो 4,000 रुपये में अच्छे घर दे सकता है जिसके प्राइजेज अप्रिशिएट होते हैं और हुए हैं, मैंने गुड़गांव में देखा है, तो जो 11-12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में प्रोडक्ट लेकर आएगा वो अच्छा ही लेकर आएगा और आपको वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोडक्ट होगा बिकॉज दिस इज़ देयर फर्स्ट प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, इससे पहले इन्होंने अफोर्डेबल ही करा था गुड़गांव में। अगर हम इस टुकड़े की बात करी जाए 5 एकड़ के, तो ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अगर इसकी लोकेशन देखी जाए तो इसके आसपास जो आप देखेंगे तो अरावली की बेल्ट है, ग्रीन एरिया बहुत है, कमर्शियल बेल्ट मैंने जैसे आपको दिखाया, कमर्शियल के अलावा DLF अल्मेडा जिसकी वैल्यू आज की डेट में आसमान छू चुकी है ऑलरेडी, और आप देखेंगे तो प्लॉट्स कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुके हैं, बिल्डर फ्लोर्स भी बनने शुरू हो गए हैं अल्मेडा में इनके जो जिन्होंने प्लॉट्स लिए थे, तो इट वॉज अ गुड इन्वेस्टमेंट। 5 एकर्स में आपको ऐसा प्रोडक्ट इस एरिया में नहीं मिलने वाला है और इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और इसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो इसी के आसपास अगर हम देखेंगे तो आपका सिग्नेचर का भी अफोर्डेबल है और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे मैंने आपको दिखाया, तो ये साइट स्ट्रैटेजिकली अच्छी लोकेशन के साथ साथ वैल्यू फॉर मनी है इस प्राइजेस में। और चलते हैं अब हम आपकी दूसरी साइट पे, इसके साथ में ही अगर हम पास में ही देखेंगे तो 76 सेक्टर्स में आपका वाइट लैंड का भी हाई राइज है, वो भी इसी प्राइस ब्रैकेट में ही आता है, वो उन्होंने कोई डिलीवर नहीं करा अभी कोई प्रोडक्ट, सबसे पहले SEO ही आया था, बट पिरामिड एक ऐसा ग्रुप है जिन्होंने अफोर्डेबल बनाए हैं, शॉप्स बनाई हैं, कमर्शियल भी इनके अफोर्डेबल के ऑपरेशनल है और अच्छे चल रहे हैं, तो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दिस ब्रांड। आ जाइए आपको दो और लॉन्चेस दिखाते हैं और दो और लोकेशंस की तरफ लेकर चलते हैं, आ जाइए। तो अभी आप देख सकते हैं कॉर्नर वॉक के अगर हम आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा अमेरिकन एक्सप्रेस के बिल्कुल पीछे जो है, ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये DLF वालों की है, DLF कॉर्पोरेट ग्रीन है, ये जो सेक्टर है आपका कमर्शियल ही आता है अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो। अभी अगर हम यहाँ से लेफ्ट लेते हैं तो आपका SPR एक्सटेंशन आ जाता है, और SPR एक्सटेंशन का जो सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है वो आता है आपका जो है SCO मार्केट MR वालों का SCO मार्केट है, जो कि हमने देखा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी आया है, आपका गोल्फर्स एक्सटेंशन पे भी आया है, और यहाँ पे भी इन्होंने SCO लॉन्च करे हैं और लोकेशन बहुत अच्छी है ये। अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस लोकेशन, सारी तरफ से ये सराउंडेड बाय आपकी अरावलीज है, और इसी के आगे अगर हम देखेंगे तो आपका प्रोजेक्ट आ जाता है करोना के साथ में ही वाइट लैंड वालों ने लॉन्च करे थे, लो राइज भी हाई राइज भी, तो हाई राइज वाला इसी के साथ है एंड लो राइज भी आए थे इनके, इसी के आसपास इनकी टाउनशिप है, SCO भी लेकर आए थे वाइट लैंड वाले, आपके लो राइज भी लेकर आए थे, हाई राइज भी लेकर आए थे। आगे अगर उससे हम आगे जाते हैं तो हम देख सकते हैं MTM की सेल्स ऑफिस, जहाँ पे आप पेट्रोल पंप भी देख सकते हो, पेट्रोल पंप के साथ ही आपकी MTM की सेल्स ऑफिस है, उसी के सामने हमारा ये बड़े डेवलपर का प्रोजेक्ट पड़ता है जो 113 एकड़ है। चलते हैं साइट पे और देखते हैं। हाँ, तो अभी हम आपका SPR एक्सटेंशन पे हैं, इसी के सामने आपका 79 सेक्टर आता है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कुछ न्यू लॉन्चेस आए हैं, मतलब कि आपका गोदरेज का आया है, मैप्सको का आया है, इकोनिक टावर्स गोदरेज का भी प्रोडक्ट आया है, अभी फ़िलहाल हम उसके बारे में इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, 79 सेक्टर है इसके आगे जहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स आए हैं ऑलरेडी, और ये सड़क आपकी पहाड़ियों को कट कर बन रही है और यहाँ से कनेक्टिविटी आसान रहने वाली है, यहाँ से हार्डली अगर हम NH8 की बात करी जाए तो 3 मिनट की ड्राइव है, सीधी सड़क है, स्मूथ सड़क है, दिस इज़ द लैंड बैंक जो हमारे बड़े डेवलपर का जिन्होंने गुड़गांव बनाया था जिसकी बात कर रहे हैं, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में इनका प्रोजेक्ट आया था अल्ट्रा लग्जरी, 7 करोड़ की इन्वेंट्री वॉज सोल्ड इन 3 डेज, और रीज़न क्यों था, क्योंकि पीपल हैव ट्रस्ट फैक्टर है इस डेवलपर का, 25 एकड़ में मिड राइज है, अल्ट्रा लग्जरी, मोर देन 3200 स्क्वायर फीट का साइज रहने वाला है इनका, तो साइजेस की कोई कमी नहीं है, अगर बड़ा साइज देख रहे हैं एक अच्छे टिकट साइज में 4.5 करोड़ के आसपास का प्राइजेस रहेगा इसका, इस प्रोडक्ट का। M3M के सेल्स गैलरी के बिल्कुल ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट भी इनका लैंड बैंक है जो 100 एकड़ का है, तो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। टॉलेस्ट बिल्डिंग भी दिखेगी इसके साथ ही रहेजा वालों की, जो अभी तक इनकम्प्लीट है, बनेगी और बन रही ही है, बनेगी ज़रूर, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं अभी, इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, कनेक्टिविटी अच्छी रहने वाली है, 25 एकड़ का प्रोडक्ट है जो मैं बता चुका हूँ।
अगर इसके बारे में आपको डिटेल में पता करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। इसमें आपको क्लब हाउस लाख स्क्वायर फीट से ऊपर मिलने वाला है, आपका जो पूल भी है आपका इन्फिनिटी पूल रहने वाला है इस प्रोडक्ट में, जो जो आप अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज़ की बात कर रहे हैं वो सारी इसमें रहने वाली है, और इन्होंने प्रूफ कर कर दिया है। गुड़गांव का अगर हम अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट्स की बात करी जाए तो इनके नाम पे लिस्ट है गोल्फ कोर्स रोड पे, इनके पास इतने सारे प्रोडक्ट है लिस्ट में कि मैं आपको नाम बता सकता हूँ अगर आप कॉल करोगे तो आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं और आगे और साइट दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे तो ये आपका बड़ा डेवलपर के साइट के बाद दोनों तरफ इनके लैंड बैंक है 77 सेक्टर में भी और 76 सेक्टर में भी। अभी 25 एकड़ का लेकर आ रहे हैं, 100 एकड़ प्लस दोनों साइट ही है इनका, तो 100 एकड़ प्लस में ये 25 एकड़ पहला लेकर आ रहे हैं फेस, जिसमें मिड राइज लेकर आ रहे हैं। अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है और इन्होंने गुड़गांव बनाया है, तो उस हिसाब से दे आर ब्रिंगिंग दिस एट सर्टेन प्राइस पॉइंट, प्लस ऑल्सो the amenities which they give and also the maintenance they give is the top notch. तो हम अगर हम इसी सड़क पे अगर जो M3M की सेल्स गैलरी से सीधा जाते हैं तो 79 सेक्टर आता है, उस उधर नहीं जा रहे हैं अभी हम राइट जा रहे हैं जहाँ पे आपका ये सड़क एंड करती है NH8 पे जहाँ पे हयात है। तो हयात से पहले जो आपका आता है पहले आ जाता है आपका ये पेट्रोल पम्प, नीचे ही यहाँ पे देख सकते हैं आप पेट्रोल पम्प के आगे आपका MR वालों की टाउनशिप है, उसी के बीच में एडोर वालों की टाउनशिप है, और ये एडोर डेवलपर इज फ्रॉम फरीदाबाद। इन्होंने लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को टारगेट करा था, 45 लाख 50 लाख रुपए में 4 BHK लेकर आए हैं। तो चलते हैं इनकी साइट पे और साइट पे देखते हैं। तो ये एडोर वालों का प्रोजेक्ट है, आपको डिटेल्स दिखा देंगे। इन्होंने फरीदाबाद में दे हैव, जैसे मैंने बताया, मिडिल क्लास फैमिली को दे हैव टारगेटेड एंड उनको ठीक ठाक प्रोडक्ट्स दिए हैं, और कुछ इन पे क्रिटिक्स भी आए थे पास में जो कि इन्होंने फुलफ़िल कर लिया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आया था जो कि मैंने इनकी रिसर्च करी तो उसके बारे में पता चला। आप भी अपनी रिसर्च ज़रूर करना व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट न्यू डेवलपर हु आर कमिंग टू गुड़गांव, तो आप अपनी रिसर्च करिए, साथ में अगर रिसर्च में आपको हमारी मदद चाहिए तो वी गाना हेल्प यू। 10.2 एकर्स की ये साइट है, इसमें आपका लगभग 700 प्लस अपार्टमेंट आने वाले हैं। अगर हम पिरामिड की भी बात करेंगे तो उधर भी आपके 500 के करीब अपार्टमेंट उधर भी आएंगे आपके स्टिल प्लस 44। आपका जो 77 सेक्टर्स में हम जो बड़े डेवलपर की बात कर रहे हैं जिन्होंने बनाया है, तो उसमें भी आपका लो डेंसिटी ही रहने वाला है, ग्रीन एरिया ज़्यादा रहने वाला है। तो दिस इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। इनफैक्ट ये लोकेशन भी बहुत अच्छी है स्ट्रैटेजिकली, साथ ही आपका 2 मिनट भी नहीं है, वॉक कर आप NH8 पे जा सकते हो। साथ में NH8 की कनेक्टिविटी के साथ क्लोवर ने कनेक्टिविटी ईजी कर ली है, पूरे गुड़गांव की कनेक्टिविटी हमारे हाथ में है। आज की डेट में हम मास्टर प्लान 2031 देखते हैं तो कनेक्टिविटी बहुत ही प्यारी हो रही है गुड़गांव की, जैसे दिल्ली की अभी मास्टर प्लान 2041 में आपकी कनेक्टिविटी सारी ढंग से होने वाली है ऑल अराउंड दिल्ली, ऐसे ही गुड़गांव का मास्टर प्लान 2031 के हिसाब से ये बहुत प्राइम लोकेशन पे और डेवलप्ड एरिया है। यहाँ पे रिहायशी ऑलरेडी है, MR की टाउनशिप आप मेरे साथ में ही देख सकते हो, ये रहा MR का आपका पूरा आपका टाउनशिप। साथ में दिस इज़ व्हाट वी आर सीइंग कि ये डेवलपमेंट हमारे जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं सारे लोगों ने देखा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट नए पुराने सारे डेवलपर्स को मिला है। बस इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए डेवलपर की, इंटेंशन सभी डेवलपर की अच्छी ही होती है जब घर बनाते हैं, एक प्रॉपर्टी लेते हैं, जो ये प्रॉपर्टी है पर एकड़ कितने की खरीदी होगी इनको, तो डेवलपर की इंटेंशन प्रॉपर्टी खरीद कर डेवलप कर अपना नाम बनाने की होती है कि पूरी ज़िंदगी लोग जाने कि किसी को घर दिलाया है, हर एक डेवलपर की होती है। इनफैक्ट अपने टाइम पे यूनिट टेक की भी ऐसी इंटेंशन ही होगी, लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ों में फंस जाते हैं जो कि लाइक यू नो जैसे वेल्थ क्रिएशन, पैसों के वजह से कई जगह पैसे बचाना, कई लोगों ने जैसे EDC IDC नहीं दिया गवर्नमेंट को, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनके वजह से डेवलपर अपनी चीज़ों में फंस जाता है एंड देन सरकार रोक लगा देती है रजिस्ट्री पे या कोई चीज़ों पे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ये 3 प्रोजेक्ट मैं लेकर आया था जो फ्रेश लॉन्चेस थे, अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए ऑन माई नंबर, दिस इज़ माई नंबर, हिमांशु मेरा नाम है। थैंक यू।